नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाइट रमेश पे। तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हूँ कमल का इंटरेस्टिंग ट्रिक, जिससे आप अपने अकाउंट पे ब्लू टिक लगा सकते हैं। वो भी अपने 1 लाख की जरूरत, फॉलोअर की जरूरत नहीं है आपको। आपके जितने भी फॉलोअर हैं उन पे ब्लू टिक लगा सकते हो। तो ये आपको ऊपर कॉर्नर में अकाउंट दिख रहा होगा, इस पर जाके देख लीजिए। आप ऐसे इस तरह अपना ब्लू टिक लगा सकते हो अकाउंट पे। वो ट्रिक सारे आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक का क्या मतलब है। तो दोस्तों, जैसे कि हम इंस्टाग्राम पे आते हो, जैसे विराट कोहली के नाम को सर्च करते हैं, तो विराट कोहली से सर्च किया तो बहुत सारी प्रोफाइल फोटो आएगी अपने सामने। अपने को ब्लू टिक का पता चल जाएगा कि ओरिजिनल विराट कोहली का ये अकाउंट है, ओरिजिनल अकाउंट है, इसे ब्लू टिक से पता चलेगा। अगर ये ब्लू टिक नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे स्कैम करके फेक अकाउंट क्रिएट करके अपने पैसे लूट लेते हैं लोगों से। तो इसके ब्लू टिक से ये पता लग जाएगा कि वो प्रोफेशनल अकाउंट है और ये सेम उसी का अकाउंट है जिसने क्रिएट किया है, प्रोफेशनल यूज़र यही है इसका। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ब्लू टिक कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो मैं आ चुके हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक लगाने के लिए सर तो आपको पहले अपना अकाउंट प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के लिए थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाके अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट पे नीचे जाके आपको स्विच टू प्रोफेशनल पे स्विच करना है और बस पे आपको कंटिन्यू दबाना है। यहाँ से कंटिन्यू दबाते रहना, कंटिन्यू करें। अपना जो भी सजेस्ट है अपने, जैसे मेरे डिजिटल क्रिएटर हूँ, तो मैं डिजिटल क्रिएटर पे क्लिक किया और डन कर दिया और मेरा अकाउंट स्विच टू प्रोफेशनल पे ओके कर दवा दिया मैंने। तो मेरा अकाउंट बन के रेडी हो रहा है अभी। तो देखो, ये मैंने क्रिएटर पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक करना। थोड़ी वेट लगे, इसमें आपको 4 स्टेप आएगी। तो आपके गेट इंस्पायर आने, आप किससे इंस्पायर हुए हैं, इसमें आपको एक प्रोफाइल चूज करनी पड़ेगी। तो मैं इससे बंदे से इंस्पायर हुआ हूँ, तो यार मेरी कंप्लीट हो गया। यहाँ से इनवाइट योर फ्रेंड टू अकाउंट। यानी अपने एक फ्रेंड को यहाँ से इनवाइट करना है, तो मैं ये इनवाइट कर लेता हूँ जल्दी से यहाँ से। तो जैसे आप फ्रेंड फ्रेंड इनवाइट कर लेते हो, तो यहाँ से ऐड कर देना है, तो आपका ये प्रोफाइल हो जाएगा। फिर सो योर ब्रांड, यानी अपने ब्रांड को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, अपने एक वीडियो सिलेक्ट करके डाल देना है, तो आपका अकाउंट प्रोफेशनल हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आपका अकाउंट प्रोफेशनल हो जाएगा, प्रोफेशनल डेट शोड हो जाएगा अपने अकाउंट पे शो, तो यहाँ पे आप दे जाके देख सकते हो अपने 30 दिन का रिकॉर्ड, यानी 30 दिन में आपके अकाउंट पे कितने क्या फॉलोअर, कितने लोगों ने विजिट किया है। यहाँ से इन साइड पर जाके देखो, 1207 लोगों ने मेरे पोस्ट पे इंगेज किया है। यहाँ से 107 ने, 77 ने इंगेज किया है, और टोटल मेरे कितने फॉलोअर बढ़े हुए सारे यहाँ कुछ देखने मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने अकाउंट पे ब्लू टिक कैसे लगाएं। तो सिंपली आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा राइट साइड में, मेरे फोटो पे क्लिक करना है यहाँ से, और 3 लाइन पे क्लिक करना है यहाँ से, और सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में चले जाने के बाद मैं अकाउंट में जाना है। अकाउंट में चले जाने के बाद मैं आपको रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन पे जाने के बाद मैं आपको अपना अपना आईडी का नाम है या अपना फुल नाम डाल देना है यहाँ से। यहाँ पे फुल नाम डालने के बाद में आपको सेकेंड स्टेप आती है डॉक्यूमेंट टाइप, अपना डॉक्यूमेंट टाइप पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनल आईडी कार्ड, टैक्स फिलिंग, रिसेंट सर्टिफिकेशन इंफॉर्मेशन कोई भी हो तो वो डाल देना है यहाँ से। तो मेरे पास आधार कार्ड है, तो मैं नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से अपनी फाइल चूज़ करके डाल देता हूँ यहाँ से, एड फोटो पर क्लिक करके। तो दोस्तों, और यहाँ से सेकंड स्टेप आती है आपको कन्फर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो द देर द पब्लिक वीवर सेलिब्रिटी टू ब्रांड योर अकाउंट रिस्पेंड इन द पब्लिक। इसमें आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है यहाँ से। तो मैं यहाँ से अपने सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये डिजिटल क्रिएटर, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। आपकी जो भी कैटेगरी हो वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, न्यूज़ वाली कोई भी, उसमें यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है अपनी। तो मैं इंडिया से हूँ, तो इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। ये इंडिया आ गई यहाँ से। और अपना ऑडियंस, डिस्क्राइब द पीपल हु फॉलो योर अकाउंट इंक्लूड, यानी आपके जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं वो आपको किस कारण से, अपने दोस्त है क्या है, किस कारण से फॉलो कर रहे हैं। तो मैं टेक्निकल
डाल लेता हूँ अपना, मेरा यूट्यूब चैनल है तो मेरी टेक्निकल चैनल गाइड। और यहाँ से सेकेंड स्टेप आती है आल्सो नोन एज ऑप्टिकल, यानी लोग आपका कौन कौन सा ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट है, यानी एमएक्स टकाटक पे है, मोज पे है, या जिली पे है, कोई भी अकाउंट पे, यूट्यूब पे है, वो किस नाम से, वो यहाँ से सारे नाम डाल देते हैं आपको। तो मैं अपना नाम डाल लेना वैसे। और दोस्तों जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर अलाउ देखने मिलता है लिंक ऑप्शनल, ये आपको बनने होते हैं तीन, ये तीन है और तीनों बन के आप सबमिट करना होगा। तो मैं सबमिट कर लेता हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया, अपना URL डाल लेता हूँ यूट्यूब का। और दोस्तों सेकंड लिंक पर क्लिक करोगे तो दोबारा से आपको सोशल मीडिया को जो भी आपका प्लेटफॉर्म है सेकंड वो डाल लेना है यहाँ से। तो मैं सेकंड अपना ये फेसबुक अकाउंट डाल लेता हूँ यहाँ से। और दोस्तों थर्ड नंबर पे आप कोई भी प्लेटफॉर्म डालना होता है यहाँ से, जो भी आपका प्लेटफॉर्म हो, जो भी दो तीन जितने भी प्लेटफॉर्म हो सारे डाल लेना आपको सेलेक्ट करके यहाँ से, जिस भी कैटेगरी का हो यहाँ से। तो मैं अपने जो भी डाल लेता हूँ यहाँ से URL। तो दोस्तों इस तरह मैंने अपनी सारी डिटेल कंप्लीट कर ली है। तो सारी डिटेल कंप्लीट करने के बाद में आपको सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं सबमिट कर देता हूँ यहाँ से, तो मेरा सबमिट हो रहा है यहाँ से। तो दोस्तों जैसे आप रिक्वेस्ट को सबमिट करते हो तो आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। योर रिक्वेस्ट टू वेरीफाई द अकाउंट करंटली अंडर रिव्यू, तो आपका अकाउंट अंडर रिव्यू के अंदर चला गया। अगर 30 दिन के अंदर आपका अकाउंट प्रोफेशनल लगता है इंस्टाग्राम टीम को तो आपका अकाउंट प्रोफेशनल कर दिया जाएगा, आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ से आपको डन पे क्लिक कर देना है। तो आपको डन पे क्लिक कर सिंपली आपको बैक चले जाना पूरा। और दोस्तों इसकी खास बात यह भी है कि आप जब भी आप सबमिट करते हो अपने वेरीफाई करने के लिए अकाउंट को ब्लू टिक करने के लिए, तो आपका अकाउंट पब्लिक होना चाहिए। अगर आपका प्राइवेट हुआ तो ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा इंस्टाग्राम टीम की तरफ से, आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, तो आपका अकाउंट पब्लिक होना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड पास ताकि वो भी ये वीडियो देखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।